नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर के सेवराई तहसील के भदौरा ब्लॉक में परिषदीय विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी सुदामा पर रुपए लेकर बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चलाए जाने का गंभीर आरोप वर्षों पूर्व लगाया गया है, जिसे गाजीपुर के नए जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य द्वारा गंभीरता से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता को निर्देश जारी कर देने के बाद अनियमितता के आरोप की जाँच के लिए रेवतीपुर व बिरनो के खंड शिक्षा अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। जांच के आदेश के बाद बुधवार को जांच करने पहुंचे प्रभाकर यादव ने ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट स्कूल भदौरा, प्रखर प्रज्ञा विद्यालय भदौरा, जनहित विद्यालय भदौरा, रमा रमान ग्रीन पब्लिक स्कूल फरीदपुर की जमीनी सच्चाई जानने के बाद जाँच अधिकारी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में भदौरा के परिषदीय विद्यालयों में अनियमितता की बात को स्वीकार करते हुए बताया कि जाँच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई गई है। कुछ विद्यालयों में मान्यता तो है लेकिन मानक बिल्कुल नहीं है। कुछ जगह प्राथमिक विद्यालय की मान्यता है लेकिन वहां इंटर तक की कक्षाएं चलाई जा रही है और कुछ बिना मान्यता का भी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। मामला ये था कि जो यहां पे एपीएसए हैं सुदामा राम जी, वो सेवराई तहसील में सैकड़ों विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं। और इसके बाद सबसे तो बड़ी चीज है कि जो विद्यालय के मान्यता दी हूँ मानक में नहीं है। मैं एक महीना से जिलाधिकारी जो पूर्व थे के बालाजी साहब, उनसे मैं मिला, नए वाले जो ओम प्रकाश आर्य जी हैं उनसे मैं मिला, मैं पत्र तक दिया, मैं यहाँ तक की आत्मदाह की धमकी दो दो बार दे चुका। एक बार हमको हमर पुलिस थाने में 24 घंटा रखी, फिर बीएसए साहब आए 2 घंटा हमर थाने में हमसे बोले कि सही आप बात बोल रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मान्यता गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हो रहे हैं, मान लीजिए 6 तक मान्यता है, कक्षा 5 तक मान्यता है, चला रहे इंटर तक, उनको देखना है। जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय है वो संचालित नहीं होना चाहिए, उसको जांच करना है कि किसके आदेश से कैसे वो चल रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए। मतलब किसके आदेश पर है? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो इसमें आप अब तक कितने विद्यालयों की जांच की है? 3 विद्यालयों की मैं जांच कर चुका हूं, चौथा विद्यालय भी जांच करना। प्रथम दृष्टि आपको क्या है यहां पर? मतलब कि मिला, अनियमितताएं मिली, जो 5 तक मानता है, 8 तक मानता है वो इंटर तक चला रहे हैं, कहीं गैर मानता भी है उसको चलना ही नहीं चाहिए, तो ये मिला है, ये सत्यता है, शिकायत में। जैसा कि यहां से एक शिकायत गया है जिलाधिकारी महोदय के पास भी, आपके भदौरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी उनके विरुद्ध की पैसा लेकर के, उनके ऊपर आरोप लगा, पैसा लेकर के गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चला रहे हैं। तो जहां तक हमें ज्ञात है, जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में बीएससी द्वारा को निर्देशित किया गया, बीएससी द्वारा 2 अधिकारियों को जांच